हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वांट टू की स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। लेकिन मैं इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो हमारे पास सबसे पहली वांट टू की स्ट्रक्चर है। वांट टू का मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, और इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म लगता है। इसे हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आरजू या ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करेंगे या इच्छा के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहली एग्जांपल है, आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। देयर यानी वहाँ और गो यानी जाना। आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। दूसरी एग्जाम्पल है, शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना चाहती है। यहाँ वॉन्ट की जगह वॉन्ट्स टू आया। तो जब शी या ही या इट या दे या नेम ऑफ द पर्सन आएगा तो हम एस लगा देंगे। तो शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना चाहती है। इसके बाद है ही वॉन्ट्स टू वर्शिप, वो वर्शिप करना चाहता है। वर्शिप यानी इबादत करना चाहता है। इसके बाद की फोर्थ एग्जांपल है, वी वॉन्ट टू ज्वाइन अक्सर क्लासेस या क्लासेस, हम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके बाद है फिफ्थ एग्जांपल, दे वॉन्ट टू क्लोज द डोर, वो दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं। उसके बाद क्लोज यानी बंद करना और अनक्लोज यानी खोल देना। इसके बाद है दानिश वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, दानिश लेटर लिखना चाहता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।